राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी सुबह का सारा काम निपटा करके, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब कुछ निपटा करके हम हो गए हैं तैयार और दोनों बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों के पापा ऑफिस चले गए हैं और अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट होकर के आते हैं क्योंकि कल से शुरू हैं चैत्र नवरात्रे, तो उसका थोड़ा बहुत सामान लाना है। और शाम को क्या होता है ना, बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और फिर कुछ समझ में भी नहीं आता और फिर शाम को बच्चों का ट्यूशन आते जाते तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो हमने सोचा अभी हम लोग फ्री हैं तो अभी हम मार्केट जा कर के सामान ले आते हैं। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं और देखते हैं मार्केट में कितनी चहल पहल हो रही है आज और अभी हम क्या क्या लेकर के आ पाते हैं। और मार्केट में जैसा भी होगा वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो आप लोगों को भी मार्केट घुमाऊँगी। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़ा मम्मी रेडी हो रही है फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं बाहर को और ना हम ना चलते चलते थक गए हैं, हम नहीं मतलब मम्मी, और मम्मी कह रही है मैं तो बैठ जाती हूँ। अभी पता है मार्केट आई भी नहीं है, रास्ते में ही है अभी और जब खुला होना करिए बैठ जाती हूँ। बैठ जाएंगे तो फिर सामान कैसे आएगा। चलो जाने वाला है ना। तो गाइस एक बार हम इस मार्केट में पूरा घूम लिए हैं लेकिन हमने सोचा मेरे को मंगलसूत्र भी पिरोना था ना, तो मंगलसूत्र का पूछ करके हम वापस आ गए थे लेकिन बाद में याद आया कि हमें तो पर्दे भी देखने थे। अभी हम फिर से जा रहे हैं पर्दे देखने के लिए और मम्मी कह रहे तो घुमाते रहेगी मुझे वह सब, और ना उससे मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आया। अभी मन में सोच रही कि हमारा कुछ काम और था तो देखते हैं अभी पर्दे कहाँ पर मिलते हैं हमको। नारियल को अलग अलग रखा, आ गया वो। तो दोस्तों ले लिए हमने सामान नवरात्रि का, छोटी वाली डाल दी और चुन्नी छोटी वाली धूप इतनी तगड़ी लग रही है बाबा। नारियल तो इंजुआ सर दुकान को छोड़ के मैं यहाँ पर आती हूँ। है ना, अरे ऐसा गुनगुन मत कर, ये पान के पत्ता भी इसमें रख देंगे। तो जी पहुंच चुके हैं हम घर और अभी जस्ट पहुंच ही रही हूँ और एली हमारा वेट कर रही थी। अरे मेरा बच्चा देखा है, बेचारे आराम से नीचे वालों के वहाँ बैठी थी, जैसे इसने मेरी आवाज़ सुनी ना भागे भागे आ गई। क्या हो गया, क्या हो गया अली है? मम्मी अभी आ रही है पीछे पीछे से, तो मैंने कहा तब तक जाती हूँ कि माही के भी स्कूल का टाइम हो रहा है और आज से उनके थोड़ा सा जल्दी का स्कूल हो गया है ना, तो माही अब आने ही वाली होगी। सुबह एक घंटा पहले जा रहे हैं तो दिन में एक घंटा पहले आ जा रहे हैं, तो मैंने कहा कहीं घर पहुँचना गई हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई थी। और बाहर इतनी गर्मी हो रही है
और फेस भी कैसा हो गया, और मेरा तो सर दर्द भी होने लग गया है, आदत नहीं है ना बाहर जाने की। तो चलो लेकिन काम हो गया हमारा, और नहीं तो शाम के उसमें रहते ना, मैंने ना थैला भी नहीं उठाया, शाम के उसमें रहते तो फिर बहुत भीड़ हो जाती मार्केट में भी, और फिर ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। अब शाम को जितना भी थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ है तो वही लेकर के आ जाएंगे बस। बाकी पर्दे लेने गए थे तो पर्दे तो मिले नहीं जैसा हम चाहते थे, वैसे हमको पर्दे मिले नहीं, तो अब पर्दे जाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा दूर मार्केट, जहाँ पर्दे ही पर्दे होते हैं, तो वहीं से लेकर के आएंगे। लेकिन हम सोचे थे क्या पता पास में ही मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाए, तो वो पर्दे लेकर के आएंगे कल को। तो अभी तो मैं थोड़ा सा घर का खाना वाना देख लेती हूँ, फिर अभी नीलाक्स का स्कूल का टाइम हो जाएगा तो फटाफट से कर लेती हूँ अपना घर का काम। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स अभी खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने कहा चलो सामान देख लेते हैं कि सामान सब कुछ ठीक है या कुछ रह गया है। तो पूजा पाठ का सामान तो मैंने संभाल दिया है, वो तो वही होता है नारियल वगैरह, तो सब कुछ ठीक था तो मैंने लगा दिया है वो। और अब है ये माता रानी के थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान, देखिए कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं ना, तो ये लहंगे लेकर के आए हैं और साथ में है चुन्नियाँ और फिर है और थोड़ा बहुत श्रृंगार का सामान। तो कल ये सब कुछ नया नया पहनेंगे हमारी माता रानी। तो आप सभी लोगों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अभी मैं जाती हूँ नीलाक्स को स्कूल लेने के लिए। तो इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड कर देती हूँ, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय माता दी।